ये कहानी है राज और प्रिया की। राज और प्रिया बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जहाँ भी जाते हमेशा साथ में जाते। राज प्रिया से बहुत प्यार करता था और अपने दिल की बात बताना चाहता था। एक दिन राज ने प्रिया को कहा कि प्रिया, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। और प्रिया ने कहा, हाँ राज, कहो ना। राज ने कहा, प्रिया, हम बहुत दिनों से साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ। तो प्रिया कहती है, राज, तुम क्या कह रहे हो, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। तो राज कहता है कि प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बस तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। प्रिया ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है, राज, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। राज ने कहा, प्रिया, कहो ना। प्रिया कहती है, राज, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। राज की आंखों से आंसू आ जाते हैं। राज को मानो ये सपना सा लग रहा हो। प्रिया कहती है, राज, मैं भी तुमसे ये बात कहना चाहती थी पर कभी हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी दोस्ती ना अलग हो जाए इसी बात का हमेशा मुझे डर रहता था। ये बातें सुनकर राज को प्रिया पर और भी प्यार आ गया और इस तरह इस कहानी की शुरुआत हुई। रिलेशनशिप में आने के बाद प्रिया और राज खुश तो बहुत थे, मगर शायद उनकी खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। मानो उनके प्यार को किसी की नज़र लग गई हो। रोज़ रोज़ का झगड़ा, एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, इन सभी चीज़ों से राज और प्रिया तंग आ चुके थे। मगर कहते हैं ना दोस्तों, प्यार में तो ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। राज अभी भी प्रिया से उतना ही प्यार करता था जितना वो उससे पहले करता, मगर प्रिया कुछ बदल सी गई थी। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होने लगी थी, मानो कि वो उससे दूर जाना चाहती हो, पर उसे कह ही नहीं पा रही थी। राज को भी इसी बात का एहसास होने लगा, पर वो प्रिया को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए हमेशा उससे सॉरी कह देता। कहते हैं ना, प्यार में किसी ना किसी को तो सामने झुकना ही पड़ता है। मगर दोस्तों, ये भी सही है कि अगर प्यार सिर्फ एक तरफा हो तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। रिलेशनशिप की शुरुआत में किए गए वादे टूटते से नज़र आ रहे थे, क्योंकि प्रिया का प्यार अब कच्चा हो गया था। एक दिन राज और प्रिया मूवी देखने जाते हैं और जब लौट रहे होते हैं तो कार राज चला रहा होता है और प्रिया उसकी बाजू वाली सीट में गुमसुम सी बैठी होती है। ये चुप्पी राज से सही नहीं गई और वो आखिर प्रिया से कह ही देता है कि प्रिया, आखिर क्या बात है जो तुम आजकल इतनी चिढ़ी चिढ़ी सी रहती हो, ना मुझे समय दे पा रही हो, आखिर बात क्या है। प्रिया आखिरकार कह ही देती है कि क्यों ना अब हम अलग हो जाए और इसी में हम दोनों की भलाई है। राज को ये सुन मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। राज प्रिया से कहता है, आखिर बात क्या है, हमने इतने वादे किए ज़िंदगी भर साथ निभाने के और तुम ये कह रही हो। तुम्हें अगर समय चाहिए सोचने के लिए, तुम्हें अगर मुझसे थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो वो भी ले लो, मगर मुझसे दूर ना जाओ और ना ही दूर जाने की बातें करो। पर राज की बातों का प्रिया पे ज़रा सा भी असर ना हुआ, मानो उसका दिल पत्थर का बन चुका हो। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, ये सुनकर राज एकदम शांत हो जाता है। बिना कुछ कहे अपने पॉकेट से एक चिट्ठी निकाल के वो प्रिया को देता है और उसे कहता है कि इसे घर पहुंचने के बाद ही खोलना। और हाँ प्रिया, अगर अब तुम चली गई ना तो मैं कभी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आऊँगा तुम्हारे पास।
राज प्रिया की ओर देखकर गाड़ी चला रहा होता है कि तभी सामने से एक शराबी की गाड़ी आकर राज की गाड़ी से टकरा जाती है और राज की गाड़ी पलट जाती है। हर जगह शांति छा जाती है, एम्बुलेंस की आवाज गूंजती है। प्रिया एक तरफ और राज एक तरफ। उन्हें जल्दी से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब प्रिया को होश आता है तो प्रिया देखती है कि राज की मौत हो चुकी है। राज अपना दम तोड़ चुका होता है। राज को देखकर प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या गया। तभी उसे याद आता है कि राज ने एक चिट्ठी दी थी और चिट्ठी खोलकर देखती है तो उस पर लिखा होता है, प्रिया तुम मेरी जिंदगी हो और अगर तुम ही मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी तो शायद मैं जिंदा ही ना रह पाऊंगा। दोस्तों, अक्सर हम झूठे कसमें वादे तो दे देते हैं पर ये नहीं समझ पाते कि उसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए कभी भी किसी से भी वादा करो तो सोच समझ कर ही किया करो, क्योंकि हमारे लिए शायद वो उतना मायने ना रखता हो मगर हम जिससे वादा कर रहे हैं वो उसके लिए उसके जान से बढ़कर हो, और हमारे वो झूठे वादे से किसी की जान तक जा सकती है।